इस प्रेजेंट मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग कैलरीज एंड एनर्जी फूड का आ, का जिक्र हो रहा हो न्यूट्रिशन का जिक्र हो रहा हो लेकिन अगर कैलरीज और एनर्जी का निकल निकल जिक्र ना हो तो वो इनकम्प्लीट हो जाती है बात तो आ, अब एनर्जी एनर्जी क्या है एनर्जी का जिस जैसे हम बहुत वी आर फेमिलियर दैट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क अगर एनर्जी नहीं होगी किसी भी एनिमल के अंदर किसी भी प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो जाहिर है कि सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल तो ये फूड जो है हमारी वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और एनर्जी uh, को uh, और ये द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी है केमिकल एनर्जी है देन सोलर एनर्जी है एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है हीट एनर्जी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज और ये हमारा मेन सोर्स हमारी हमारी काम करने का वो क्या है वो ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर दैट इज़ इनफैक्ट दैट इज़ इनफैक्ट द फूड द फूड कंटेन्स एनर्जी जैसे ग्लूकोज है फॉर एग्जाम्पल सी सिक्स एच वेयर दिस कार्बन इज़ अटैच विद हाइड्रोजन बाई बॉन्ड तो वो जब ब्रेक होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है और वो फिर एनर्जी जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू ए वेरी इजिली अवेलेबल एनर्जी विच इज़ ए टी पी जैसे हम जिससे हम इस चीज़ को जिससे चीज से बायोसिंथेसिस जो है इसके बारे में हम वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट तो और एनर्जी को मयर करने के लिए एनर्जी को मैयर करने के लिए एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज कैलरी तो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड इज़ मयरड इन टर्म्स ऑफ कैलरीज और कैलरीज ये दो लफ्स हैं एक लेटर जो है एक वर्ड कैलरी दैट इज विद सी स्मॉल सी एंड द अदर इज कैपिटल सी ये दोनों दी दे कैरी डिफरेंट मीनिंग्स नाउ एक इज़ द कैलरी तो कैलरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर टू वन डिग्री और डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स के वन ग्राम ऑफ वाटर अगर है और इसका टेम्परेचर लेट से 15 है तो उसको 16 तक पहुंचाने के लिए वन कैलोरी इज़ नीडेड, वन कैलोरी इज़ नीडेड। और अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाटर फॉर एग्जांपल लेट्स वन डिग्री सेंटीग्रेड उसको टू डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए कैलरी जो होगी अब उसके अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होगी तो लिहाजा कैलरी ये मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ थोड़ी रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है तो पंद्रह से सोलह या सोलह से सत्रह और अठारह सत्रह से अठारह ये अगर हमें इंक्रीज करनी चाहती चाहते हैं तो दर इज़ वन कैलरी इज़ नीड और डाइटिशंस जो हैं जो कि जो आ, डाइट के ऊपर पर एनालिसिस करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं या फिर स्लिमिंग सेंटर्स के अंदर वहां पे ये कैलरीज का इस्तेमाल बहुत होता है ये लव्स जो है अब इसमें विद ए कैलरी विद ए स्मॉल सी हम जिक्र कर चुके आल्सो कॉल्ड ए ग्राम कैलरी इसका दूसरों प्रिसाइज लेयर कहना हो तो हम आमतौर पे ग्राम कैलरी कहते हैं इसी तरह एक किलो कैलरी जिसे आल्सो नोन एज कैलरी विद कैपिटल सी और किलोग्राम कैलरी के सी एल इज इक्वल टू वन थाउजेंड कैलरीज तो ये वन थाउजेंड कैलरीज हैं विच इज वन किलो कैलरी नाउ कैलरी इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सो दैट आवर बॉडीज कैन फंक्शन ये जब तक हमारी बॉडी का एक खास टेम्परेचर नहीं होता तब हमारी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो सकती ना ये ज़्यादा होना चाहिए या ना ही कम होना चाहिए जब ज़्यादा हो जाता है तो आमतौर पर हम कहते हैं कि पर्सन इज रनिंग एज अ रनिंग टेम्परेचर यानी उसे बुखार हो गया है या फिर अगर कम है तो फिर उसमें एनर्जी कम होगी और वो सही तौर पे काम अपना काम नहीं कर सकता तो अवर बॉडीज स्टोर एंड बर्न कैलोरीज एज फ्यूल तो ये फूड जो है हमारा दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल और सेल जो है हमारा वो एक फर्नेस के तौर पे काम करता है तो उसके अंदर ग्लूकोज आता है तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंटर होते हैं दैन आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस इट्ज ए लॉन्ग प्रोसेस जिसके अंदर फिर ग्लाइकोलोसिस है साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है तो फिर जाके ए की प्रोडक्शन होती है अब ये ये भी सोचना चाहिए कि वट इज़ द फन के गलूकोज इट इज़ टू बी कन्वर्टेड ए टी पी ए टी पी इज़ इमीजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी तो Uh, ये ग्लूकोज को ए में कन्वर्ट करने में इट टेक्स टाइम एंड इट हैज़ मैनी लॉन्ग टेन ऑफ प्रोसेस तो डाइट डाइटिशियंस या डाइटर्स काउंट कैलोरीज एंड ट्राई टू डिक्रीज कैलोरी इनटेक टू लूज वेट वो लोग uh, जो के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं पेट भर के खाते हैं तो उनमें ज़ाहिर एनर्जी भी ज़्यादा आएगी और uh, और जिसकी वजह से यही एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है फॉर बिल्डिंग द बॉडी मटेरियल जिसकी वजह से उसके अंदर वो ओवरवेट हो जाता है या फिर ओबीस हो जाता है अब ये एवरेज कैलोरिक वैल्यूज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और इसमें फिर कैलोरीज पर ग्राम का जिक्र है तो कार्बोहाइड्रेट्स देर फोर पॉइंट वन कैलोरीज पर ग्राम Then uh, the lipids, ye, it is uh, double the amount. That is 9.3. Proteins, jo hai, that is per gram of protein, that is 4.3. Now one calorie contains. This calorie, it can also be expressed in this form. Also, that is uh, they contain joules, which jo 4.184. These are the joules, the number of joules in a calorie. And this is the standard international unit. और जउल्स में इस्तेमाल करते हैं जवल का लफ इस्तेमाल किया जाता है द हेल्दी फूड दैट आर हाई इन कैलोरीज इंक्लूड जो यानी कि वो फूड या वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज हों या हम कह सकते हैं उसके अंदर पर ग्राम का हिसाब किया गया है तो अगर एक एवोकेडो है विच इज़ अ फ्रूट विच इज़ अ ग्रीन इन कलर इट हैज़ अ सीड इन इट ये टू ट्वेंटी सेवन कैलोरीज होती हैं पर ईच ईच पीस के अंदर देन uh, पी नट्स पी नट्स अगर पर एक कप है तो उसके अंदर देर आज अबाउट एट ट्वेंटी एट कैलोरीज सो दे आर क्वाइट रिच एनर्जी सोर्स इसी तरह ऑलिव ऑयल वन वन हंड्रेड नाइनटीन कैलोरीज हैं पर टेबल स्पून और ये दिस इज ऑब्वियसली दिस इज अ वेजिटेबल ऑयल भी इसे इसे कहते हैं तो ये ये बहुत लंबी लिस्ट है और हर हमारी टाइप ऑफ फूड के अंदर ये कैलकुलेट किया गया है कि पर ग्राम कितनी चाहिए और फिर उसी हिसाब से ये फिर डाइट डा, डा, जो होते हैं वो फिर रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आपने किस तरह अपना वेट लूज़ करना है तो इसमें कैलरीज का बहुत रोल है जाउल्स का बहुत रोल है और फूड ही है विच एक्ट्स हैज़ एक्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर इमीजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन्स जो है फैट्स हैं दे आर नॉट इमीजिएट बल्कि इट टेक्स टाइम और इसीलिए जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं जिन्हें बहुत क्विक एनर्जी चाहिए तो यूजअली दे यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स सो दिस इज ऑल अबाउट